की बात की तो हमारी जिंदगी में भी हम सब आर्टिस्ट हैं, अपने पास जितने कलर हैं हमारे भी पास एलिमेंट्स हैं, अपने अपने गुण हैं, हर गुण एक कलर है, एंगर भी एक गुण है जो ये कह रहे थे लाल से, तो अपने अंदर जो नेचर है, अपने गुण हैं, अपनी क्वालिटीज है, अपनी आत्मा की शक्ति है, तो सारी पेंटिंग एक एक पेंट लेके हर घड़ी हर पल हर थॉट के हिसाब से हर थॉट एक पेंटिंग है, और आपकी जिंदगी की जो फ्यूचर जिंदगी की पेंटिंग और डेस्टिनी तो आप हर समय बना ही रहे हैं बाई थिंकिंग गुड और बैड, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं और वही आप हैं। जो आप सोचते हैं वो आप कलर पेंट पे लाते हैं ना, जैसे इनसे मैंने पूछा था कि इतनी सुंदर लड़की कौन है, तो उन्होंने कहा ये मेरे इमेजिनेशन है, मेरी सोच है, थिंकिंग है। ऐसे ही हम जो भी सोचते हैं वो हम बन भी जाते हैं। अब दूसरे का आप बुरा सोचते रहेंगे दूसरे के बारे में बैड क्वालिटीज, तो वो आप में आ जाती है, आप उसको देख लीजिए, आप इसकी बुराई देख लीजिए, इसके अंदर यार ये बहुत खराब है, ये बहुत, तो आप चुन लेते हैं, वो बन जाते हैं, क्योंकि आप जो सोचते रहेंगे। बचपन में हम कहानी सुनते थे तब समझ में नहीं आता था, जब गुरु लोग कहते थे कि एक लड़के को अपनी बहन से बहुत प्यार था, तो उसके गुरु ने उसको बोला अंदर तू केव में उसको बंद कर दिया, 8 दिन तू मेडिटेशन कर। 8 दिन के बाद वो बोला क्या किया, बोले दरवाजे के बाहर मैं कैसे आऊँ, बोलता था मेरी सींग इतने बड़े बड़े से तो मेरे सींग है, इतनी बॉडी तो मैं भैंस हूँ। तो उसको अपनी भैंस से बहुत प्यार था, तो मेडिटेशन में भैंस की ही बात सुनता था, तब हमको लगता था यार कैसे पागल लोग हैं, ये क्या कहानी सुनाते, भैंस बन गया अंदर आते। आज समझ में आता है कि जब हम जो भी हम सोचते हैं हर कलर, जैसे हर एक आर्टिस्ट अपना कलर लेके एक टच, जैसे इतना सुंदर उन्होंने पानी की बूंद तक डाली है, लोगों ने रिफ्लेक्शन तक डाला है हर जगह, उस तरह की एक सोच से हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो वी आर द आर्टिस्ट, वी आर द पेंटर ऑफ आवर लाइफ एंड लाइफ इज आवर पेंटिंग। थैंक यू सो मच।